पहला सब सी जानवे हाँ कड़ा परेशान, दूसरा सब नू पता है गुरु प्रसाद, तीसरा कट लोखा नू पता है तव प्रसाद, ते चौथा ते बिल्कुल ही नहीं पता मिल रहा है असी लै नहीं रहे वो है इन्हीं के प्रसाद। ये है अज का मेरा आप नाल रल के विचार करना कि इतने प्रसाद सानू मिलते हैं पर असी लैन तो वांझे हाँ। इन समझ लो साड़ी चोली बहुत छोटी है या होर पंजाबी च कहिए साड़ी बुक छोटी है। इस बारे एक बड़ी लिखी हुई है ईसाइया ने गाथा, उन्हां विच ये मशहूर है कि एक बारी हजरत ईसा रात नू अपने ग्रह तो निकले ते देखन चले अपनी उम्मत नू। जिस वेले निकले हन अगे देखिया ने एक बंदा शराब विच तुत पिया है लेटिया है, जिवें तुसी आप जिहड़े अज ही गुरुद्वारे आए हन इस पासे किसी नूं भावें उह इत्थों दा है भावें कोई बाहरों आया है सड़क दे किनारे इस वेले भी मूँह परने होके पिया होया लेटिया होया है। अते ये ते आम हो गया है, हुण कोई सड़कां ते रुल रहा है, कोई गलियां ते रुल रहा है, कोई क्लबां च रुल रहा है, कोई बाहर रुल रहा है। उन्हें देख के हैरान होए कि मेरी नगरी अंदर एक बंदा शराब विच दुध पे आ इस तरह पे है। तो उस कोल जाके कहन लगे भलिया लोका जिंदगी इस तरह न रो। उसने सिर ऊंचा किया, आवाज ईसा जी की सी, अते ऊंचा करके कह लगा मैं आप कोड़ी सा तुहाड़ी नज़र हो गई, मैं ठीक हो गया, हुण दसो शराब न पिया तो होर की करा। बड़े हैरान होए, अगे एक बंदा वेसवा दे दरवाजे ते खड़ा होया, उस दियां पौड़ियां चढ़ लगा अते उसनू आवाज़ दे के कहंदे ने भलिया लोका आत्मा ना रो। उसने भी पिछा मुँह कर लिया, देख के कहन लगा मैं अन्ना सा, तुसा मेरे वल दृष्टि की, मैं अखा मिल गई, मैं उन्हें वेसवा को ना जावत होर की करा। होर अगांगे एक बंदा चीका मार रहा सी उची उची, ते उसनू कहंदे ने तू क्यों अपने स्वास ते अगाया करना है। ते उस भी उच्चे करके मुँह देखिया ते आखन लगा मैं मरदा पिया सा, तुसा मैनू जिंदगी दे दिती, हुण चीका ना तुम्हारा होर की करा। बस ये है साडा हाल, सानू जूं जूं बरकत मिलती है या शराब दे द्वारे या वेसवा दे द्वारे या स्वाय चीका मारन तो बड़का मारन तो होर कुछ नहीं है। प्रसाद लैन की जांच ही नहीं है, कितनी मेहरां कर रहा है, कितनियां बरकतां कर रहा है, कितनियां दातां दे रहा है, साढ़े मुँह चों निकलता है होर मैं की करा। मैं हाथ जोड़ के हर वेले यही बेनती कर रहा हाँ, दात मिल जाए कोई इसनू संभाल के रखे तो फिर देखे कितना आनंद है। लेकिन आदत वही है जेड़ी ईसा जी ने देखी सी, मैनू पैसा मिल गया मैं होर की करा। इस करके प्रसाद जेड़े गुरु ने दिते हैं इन्हों समझना भी जरूरी है, लेना भी जरूरी है, ता पता लगेगा कि गुरुद्वारा कितना साडा शरीर का नहीं आत्मा का अंग किवें है। ये कोई इमारत नहीं है, इत्थे ते शब्द नाई सुरत ने कड़ीना है, मत ने कड़िया जाना है, मन ने ठहरना है, बुद्धि का विकास है।
इस करके जेड़े हुण घरां अंदर बैठे रहिंदे ने ना इस सोच अंदर के दुकान ते जा के ही साडी जाग खुलनी चाहीदी है उहनां नूं झंझोड़ो। उसका इलाज उसका तरीका एक है, आवाज़ जरूर दिओ। जे पहरेदार सौ गया ना फिर बड़ी मुश्किल बनेगी। पहरेदार नूं ते आवाज़ देंदे ही रहना चाहिए, जागदे रहो जागते रहो ताकि उसनूं पता लग जाए कि असी सुचेत होके संसार ते रहना है। आपने सब तो पहला प्रसाद सानू गुरुद्वारे मिलता है कड़ा प्रसाद, अते इस बारे इतना कुछ सानू ज्ञान रवे ये सानू दीवान की समाप्ति तो बाद मिलता है ताकि असी कीर्तन शब्द व्याख्या हुक्म सुन लिया है ते हाथ दोनों जोड़ के प्रसाद लेने हाँ कड़ा प्रसाद के जो तुसी हुक्म कीते हन मैं इन्हों ग्रहण कर रहा हाँ सिंबालिक तौर पर चिन्ह के तौर पर ताकि किसी वेले मेरे अंदर ये ख्याल पैदा ना हो जाए कि मैं सुन के इत रख जाना है। ये ख्याल बड़ा चलता रहा है कि जो सुनो उत रख आओ, ऐसा साढ़े घर विच नहीं है, असा तो जीवन विच टालना है। इस करके कड़ा प्रसाद सानू जो मिलता है असी उसका प्रगटावा करते हाँ कि तुसी जो बख्शिश कर रहे हो मैं ग्रहण कर रहा हाँ। दूसरे कड़ा प्रसाद बन वेले आपनू पता है तिन्ने रस्ता इको जीयां पाईयां जांदियां ने, अते ए ते हुण साडियां पुरातन ग्रंथां विच वी रहत मर्यादा विच वी लिखिया होया है कि ठीक कड़ा प्रसाद उस वेले ही बनेगा जे जप जी का पाठ बनाण वाले ने कीता है, उहदे केती छुट्टी नाल हुंदी है, उहदे कड़ा प्रसाद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। ये भी इस गल का चिन्ह है कि कोई चीज़ तैयार करनी होवे खासकर प्रसाद तो सहज नाल होवेगा, अते सहज की शक्ति इतनी है। आप गुरु नानक पिता ने समझाया है दै दिस साख भरी हरियावल सहज पके सो मीठा, उस तो बगैर मिठास नहीं है। यही सानू पहला प्रसाद मिलता रहे ताकि असी इतों जो चीज़ लैके जाइए अपने जीवन च टालीए रगा विच टालीए। दूसरा प्रसाद है गुरु प्रसाद। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक ओंकार सतगुर प्रसाद 537 वार आया है। ये उन्होंने जवाब है जेडे सानू आके गलत उपदेश करते हैं कि तुसी पंज पौड़ियाँ आनंद साहब चुंपर दे दीवान की समाप्ति से विचार अंजाम पुरुष होंगे उसमें पता होंदा नहीं है। ये मेरे गुरु की मर्जी है, जो गुरु कर गया है मैं कौन आ इस वधाते कटाण वाला। हुण कोई ये आखे साहिब गुरु अर्जन पातशाह ने एक ओंकार सतगुरु प्रसाद क्यों लिखा है, आपने पूरा मूल मंत्र या पूरा क्यों नहीं लिखा, ये तो उही जाने 537 वारी गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आया है। 33 वारी गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद आया है। अते 8 वारी हुण ओह वी जाने ऐसा क्यों करदे हन सानू बिल्कुल समझ नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात एक दिन, क्योंकि कही जाती है दुराई नहीं जाती इस करके भुल जाती है, ज्ञानी अर्जन सिंह जी परसों ही शायद या चौथ सानू समझा रहे सन, देखो गुरु पिता जी एक मेल जिथे आनंद साहब की समाप्ति है उतों सज शुरू हो गया है, अते कानूनन नियम तरतीब के मुताबक ये नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब की एक मिथी हुई तरतीब है जी आप गुरु अर्जन ने बनाई है, वो तरतीब ये है पहला गुरु नानक पिता की बाणी, फिर गुरु अमरदास की बाणी, गुरु अंगद पिता के श्लोक हैं, गुरु नानक की बाणी, गुरु अमरदास जी की बाणी, फिर गुरु रामदास जी की बाणी, फिर गुरु अर्जन पिता की बाणी,
फिर भगत, कबीर जी की बाणी, फिर नामदेव जी की बाणी, फिर रविदास जी की बाणी, फिर सदना जी की बाणी, फिर तन्ना जी की बाणी, फिर फरीद जी की बाणी, फिर सिखा की बाणी। एक तरतीब है गुरु ग्रंथ साहब निभी हुई, पर उन्हें आप गुरु जाने, असी कौन हाँ। उन्होंने सारे गुरु ग्रंथ साहब की तरतीब तकरीबन 37 बारी तोड़ी है। हम जिथे तोड़ी है ना, सानू समझना पवेगा आपने क्यों तोड़ी है। नहीं समझ आई तो फिर यही रुको कि सानू ये बात समझ नहीं आई, दलीलां च ना पाओ। अते ये जिसले समझ आ जाए फिर बड़ा सवाद है। जिस तरह कोई दरिया चल रहा हो, अगे पहाड़ आ जाए, दरिया की आबशार बन जाए, ये गुरु जाने कि अगे क्यों इतना पहाड़ खड़ा कर दिता, उसकी आबशार बना दिती ताकि लोग सैर भी कर, बिजली भी निकले, नज़ारा भी बन जाए। शायद यही कारण हो गए, कुछ समझाना चाहते सन, कोई नवी रोशनी देना चाहते सन। हुण कानून ये नहीं है, इत्थे गुरु नानक पिता की बाणी तो बाद गुरु अमरदास की बाणी है, अगे गुरु रामदास की बाणी चाहिए थी। तुसी हुण ही देख लेना, सद तो बाद फिर गुरु रामदास की बाणी है। आपने एक सिख की बाणी नूं गुरु अमरदास महाराज के अगे क्यों रख दिता? बस इसे करके कि सिख नूं ओ गल याद रवे जिहड़ी आप नूं दोहराई गई कि सिख दा आनंद इसे विच है जब उस नूं ये ख्याल है कि वाहिगुरु वल्लों मैनू सदा रोज पै रहा है। बस आनंद इसे ही है, ये याद रवे कि सदड़े नित पवन, होर आनंद कोई नहीं, दोनों इकट्ठे कर दिते हैं। इस करके ये आप जाने क्यों ऐसा करदा रहा, क्यों उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब अंदर 37 वारी इस तरतीब नूं तोड़िया। अते उन्हां नूं ही पता है, सिर्फ असी अनजान पुरश उन्हां दे चरणां च बैठ के अरदास करके पुछ सकते हाँ। संत गुरमुख सिंह बहुत सोहना क्या करते सन, अते गज के क्या करते सन, मैनू अज तक कोई ऐसा सज्जन नहीं मिलिया जेड़ा ये आखे मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो पढ़ रहा हाँ। मैनू जेड़ा भी मिलता है यही कहता है मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ रहा हूँ। बस इतों कहते असी खुंझ जाते हाँ, गुरु कोलों पढ़ी रहे कि गुरु नूं पढ़ी रहा है, गुरु कोलों पढ़ी रहे। अजे तक ऐसा सज्जन कोई नहीं मिलिया जेड़ा कहे मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो पढ़ रहा हाँ। गुरु कोलों जिसले असी पढ़न की आग्ञा लवेंगे, अते है भी तरीका यही सी आग्ञा सी, आप कहते स जिसले कोई अखंड पाठ शुरू होवे, पाठ शुरू होवे, इसलिए वही जानन कि उन्होंने 537 वारी क्यों लिखिया, 33 वारी पूरा क्यों लिखिया, 8 वारी आपने गुरु ग्रंथ साहिब अंदर लिखिया है एक ओंकार सतनाम गुरुप्रसाद। ये क्यों लिख रहे हैं, किस वास्ते लिख रहे हैं? मतलब तो एको ही है कि हर सिख नूं पता लग जाए ਇੱਕੋ ਕਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ नावे की जोत की। गुरु नानक साहिब जी कोई अख नहीं सी, गुरु नानक साहब तो सारी दुनिया नूं रोशनी देने वाले सन। सिर्फ ये समझाण लई कि ना लैणा नहीं है, ना ते जोत है, मते किसे नूं कोई भुलेखा हो जाए। मैं अंधले नावे की जोत, नाम आधार चलना गुर के भै भी। वो लिख रहे हैं जो दुनिया का मालिक है, जिसके सहारे सारी दुनिया टुर रही है, तो अगर भी टुरेगी। इसलिए कोई सज्जन इस बहस च ना पवे कि जिसले गुरप्रसाद का शब्द आया है, इस दे अर्थे ने शब्द राही प्रसाद पा के एक ओंकार कोल जाना है, होर कोई रस्ता नहीं है। अर्थ फिर कवि संतोख सिंह जी कर गए ने गुरु दे, उन्हां जो शब्द के अर्थ किए हैं ये हैं, ताकि कभी किसी को भुलेखा ना पवे कि कोई व्यक्ति भी गुरु हो सकता है। जब आप गुरु पटा ने कह दिता कि जोत रूप हर आप
गुरु नानक कहायो। ये जोत रूप है, इसलिए गुरु दे अर्थ करन वेले कवि संतोख सिंह जी ने बड़ी साढ़े ते कृपा की थी, ते आखन लगे गुरु दे अर्थ हन गो तम पन अज्ञान अनित। गुरु दे अर्थ ए हन जो साडा अंधेरा दूर करे, जो शरीर तो उतां उठाए, जो लालच च ना पैन देवे, जो सब तो जरूरी है कि इंसान नूं ये समझा देवे कि शरीर तेरा नहीं रहना, वाहिगुरु ने रहना है। गो तन तम अज्ञान अनित रूप प्रकाश कियो जिन चित। जेड़ा चित दे अंदर ये प्रकाश कर देवे के तमा नहीं चाहिदा, अंधेरा दूर कर, वो समझ लो गुरु है, होर कोई गुरु नहीं है। अते यही कारण सी आप सानू समझांदे सन पिता, असी अनजान पुरशों ना कुल जाने सा, आखने सा सारी दुनिया त्रै गुणा च पई हुई है, पातशाह सानू बिल्कुल समझ नहीं आउंदी, ये पंडितां दी गल, ये विद्वानां दी गल, कोई रजो है, कोई तमो है, कोई सतो है, सानू नहीं समझ आउंदी, भावें लख यतन करो समझ नहीं आएगी, कोई होर तरह समझाएगा। सानू तो आसान तरीका दसो कि रजो विच कौन है, तमो विच कौन है, सतो विच कौन है। गुरु महाराज कहन लगे आसान तरीका ये है, जिस वेले आप दा मन कीर्तन सुनदिया बिल्कुल न टिके, समझ लो तुसी तमो गुण विच हो। कितना आसान तरीका पता लग गया कि जिस वेले तुहाडा मन टिके ही ना, समझ लो असी अजे तमो गुण विच हाँ, या अंधेरा छाया होया है या लालच दे ग्रस विच हाँ। अते दूसरे जे वाणी थोड़ी देर समझ आ गई है, थोड़ी देर चित लग गया है, फिर विचो ख्याल फट आ गया उस इमाम ते काजी वांगू कि मेरा बच्चा ना गिर जाए अपने खूह अंदर, या मैं घोड़िया के व्यापार च पिया, थोड़ी देर लगे थोड़ी देर ना लगे, थोड़ी देर ते बड़ा मन टिके, यकदम ख्याल आवे अज ते दुकान के बाहर एक गाह खड़ा होना है, समझ लो असी रजो विच आ, रजो मैंने चांदी, तरीका ही यही है समझने का कि साडा सारा ध्यान चांदी विच है। जिस वेले असी इस अवस्था विच आ, ते जिस वेले हर एक तुक गुरु अर्जन पिता कहन लगे समझ आंदी रवे, पर हिरदे अंदर जानी शुरू कर देवे, समझ लो तुसी सतो विच हो। इस तो आसान तरीका सानू दस नहीं सुन सकते, इहो ही गुरु हर राय पिता ने सानू समझाया सी कि जिस इंसान ने बाणी नू ध्यान नाल सुन लिया अते ग्रहण कर लिया, उसकी अवस्था यह होएगी ते साध संगत मन सोवत जागे तो प्रभ नानक मीठा लागे। साध संगत की इको ही निशानी है कि जे सुत्या मन जाग पवेगा, अते सुते जागे मन की निशानी यही है, मन जागे की ए निशानी, जागे मन की निशानी की है। हर कोई पूछता है कोई निशानी जो होगी मेरा मन जाग पे है, तो महाराज कहते ने मन जागे की ए निशानी तो उर लागे मीठी बाणी। बस जिस वेले हिरदे नू बाणी मीठी लगन लग पई, मन जाग पिया, ये है आपने इतनी वारी गुर प्रसाद पाया ताकि मेरा अंदरला ते बाहरला हनेरा खत्म हो जाए, ये प्रसाद सिर्फ इत्थों मिलेगा, होर किसे थां तो ये प्रसाद मिलना नहीं है। तीसरा प्रसाद है मंजिल। गुर प्रसाद तो शुरू होए हाँ, तब प्रसाद ते जाना है, अंधेरा दूर करन तो बाद, लालच हटान तो बाद, उस प्रभु जो है उस दे जाने के प्रसाद तेरे वालों मिलया है, तब प्रसाद जो कुछ मैनू मिल रहा है आप को मिल रहा है। ये गुरु गोबिंद सिंह जी पिता जिस वेले बाणी लिखते सन, जा उत्ते लिखते सन तब प्रसाद, ते जा लिखते सन तेरा जोर, ये सब कुछ तेरे जोर नाल हो रहा है। ते असी इंसान जिन्होंने रहना नहीं है, साढ़े मुख चो निकल रहे मेरे जोर नाल हो रहा है। अते यही है पिता समझांदे सन कि त्रै गल्लां करके इस दे मुख विचों नहीं निकलदा तेरा जोर। वो तीन गल्लां दसम ग्रंथ च लिखियां हुई ने,
सुत वित ते वाह। ये तीन गल्लां ने जिहड़े मुख विचों नहीं कढवांदियां कि वाहेगुरु तेरा जोर है या तो मैनूं अपने बेटे ते माण है या मैनूं अपने परिवार ते माण है या मैनूं कुछ पैदा करन ते माण है। सुत मैंने कुछ पैदा कर देना, मैनूं ख्याल है कि मैं कुछ पैदा कर रहा हाँ। अते हर इंसान नूं इह जिस वेले आउंदा है माण समझ लो हटदा है वाहेगुरु। अते दूसरा है वित, मन दस नाज टका चार गांठी एडो टेडो जात। बस इस जिसने दिसदा है कि मेरी जे भी चार पैसे हैं इसकी चाल बदल जाती, फिर बहाने बनाता है, फिर रस्ते लभद, फिर कभी कोई ढंग कहता है फलाना नाराज हो जाएगा, फलानी नाराज हो जाएगी, कुड़म में किमें राजी करांगा। ऐसी अवस्था उसकी वित करके है। तीसरा फिर वाह चाहता है, कहता मेरा वाह होवे। ये तीन चीज़ा वाहेगुरु नूं तव प्रसाद मुख विचों नहीं कहन देंदियां। इस करके गुरप्रसाद तो तव प्रसाद जाना है। जिसले तव प्रसाद कोल जावांगे फिर पता लगेगा सब तेरा जोर है अते कोई तेरे जोर तो बगैर संसार ते नहीं है। ये सानू तीसरा प्रसाद इत्थों मिलदा है कि मैनू अपने आप ते मान खत्म होना शुरू हो जांदा है। अते कोई इंसान जो तव प्रसाद ते रिया विच रिया है वह फिर अपने ते मान नहीं करेगा, अपना जनाएगा ही नहीं, कभी अपनी होंद नहीं दसेगा। मेरा ख्याल है इस तो अच्छी साखी गुरु बिलास पातशाही दसवीं च नहीं लिखी हुई जिहड़ी मैं आप नूं सुनाण लगा हूं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चमकौर दी गढ़ी विचों निकल गए ताड़ी मार के नरसिंगा वजा के, जांदिया होया माछी वाड़े तक आपका जामा लीरो लीर हो गया, पैर की जुत्ती एक फट गई उतारनी पई, दूसरी भी अगे जाके उतारनी पई, कंडे खून नाल उन्होंने पैर लिबड़े हुए सन। रात सारी सफर च कट्टी, सवेर वेले एक दरिया के किनारे पुजे, उत्थे एक पई एक लग्या सी तंबू टेंट लग्या सी, जो शायद दरिया का राखा सी या उसने उत्थे टेंट लाया। उस टेंट नू देख के चावला देख के आपने आवाज दी टेंट दे कोल जाके, मैं तीन दिन दा भुखा हाँ, मैनू तीन दिन तो कुछ खाण लई नहीं मिलिया, जो तेरे कोल है मैनू दे दे। अंदरों आवाज आई बाहर आके थोड़ी जी, चला जा मेरे कोल कुछ नहीं तैनू देन दे वास्ते, क्योंकि मेरे गुरु का मैनू हुक्म है सब तो पहला मैं सिख दे मूँह च पाना है फिर मैं तैनू देंगी। महाराज ने चुप कर गया, दलील देन लग पे कि तू गलत सोच रही है, किसे दे मूँह विच पाना ही ये गुरु का हुक्म है, गरीब का मूँह ही गुरु की गोलक है, लोड़वंद नू रोटी खवानी गुरु का हुक्म है। पर अंदरों यही कही गई, चला जा मेरे तू सवेरे सवेरे दुआरे आ गए, पहला मैं सिख नू खवावांगी तां मैं तैनू देंगी। तहन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह उस वेले उसनू कुछ नहीं किया, कितना आसान सी तरीका अपनी हुण जता दें दे, मैं गुरु गोबिंद सिंह हाँ। तो उस वेले उसने प्रशाद चुका देना सी, कुछ नहीं ले किया, चल पे जरा कु अगे गए ने तो उसका घर वाला दरिया विचों पानी का कड़ा भर के वापस आ रहा है। अते उसने गुरु गोबिंद सिंह जी पहचान लिया, महाराज तुसी किथे नाल लै आया। महाराज कह लगे तेरे घरों में बड़ा कुछ सोना है, हाँ मैं इस घर विच नहीं जाना। कह लगे महाराज चलो अंदर चल के प्रसाद छको बैठो। अंदर जिसले गए माई बड़ी हैरान हुई, वह तो गुरु गोबिंद सिंह सी जिहड़ा मेरे सवेरे दरबारे ते आया। तो जिवें आदत हुंदी है खिमा मंगण वालियां दी, खिमा मंगण लगी माफ कर दिओ मैं तो अकल वाली नहीं, मैं तो समझ नहीं है। सचमुच ही कहिंदे ने औरत नूं अकल नहीं, महाराज कहिंदे इह ना कहीं कदी, तैनू तो सब तो ज्यादा अकल है, तू तो गुरु दे केहु ते पहरा दिता है, ये गुरु का ही हुक्म तू मनिया है, इस तो ना घबराई। हुण देख लो दुनिया का मालिक हो के अपनी होंद नहीं जता रहा, अते असी थोड़े जि चिर तो बाद अपना होंद जिहड़ी इतनी प्रगटा कर लग पैंदे आ, उहदे विच की हुंदा है फिर तेरा जोर खत्म हो जाता है। यह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सब तो वड्डी सिफत है जिहड़ी जफरनामे च उहनां लिखी, औरंगजेब तैनू मान है अपने तख्त उत्ते
मैनू भी माण है अपने प्रभु उत्ते, मैनू भी माण है अपने अल्लाह उत्ते। डले ने इहो गल कही सी जिसने गुरु गोबिंद सिंह देखिया ना, बिल्कुल अकला जिमें आपने देखिया कोई नहीं, तो डला मिलया कह लगा ना डला ना मल्ला गुरु गोबिंद इकला। तो गुरु गोबिंद सिंह कह लगे ठीक है ना डला ना मल्ला गोबिंद ना अकला उहदे नाल अल्लाह। बस ये जिस वेले होना शुरू होएगा आप गुरु कृपा करेगा ये तीसरा प्रसाद सवाए संगत तो मिल नहीं सकता, फिर कभी किसी व्यक्ति वल ध्यान नहीं जाएगा। असी है ही वाहेगुरु जी का खालसा हाँ, सानू यकीन बच जाएगा कि असी उस दे हाँ। अते ए यकीन बनाने लई उनते बहुत अज की दुनिया अंदर भी कई साखियां चाकियां हुई ने, पर मैं तुहानू एक होर सुनाना जेड़ी जिसनू नोबल प्राइज मिलिया है पिछले 2 साल हुए हैं। उसने अपनी जिंदगी की एक दास्तान लिखी है। इन्हों का एक तरीका होंगे जो नोबल प्राइज मिले ना जिस वेले उत्थे एक लैक्चर करता है स्वीडन अंदर स्टॉकहोम अंदर, उसनों हक है कि मैं क्यों नोबल प्राइज मिले है 5 मिनट 10 मिनट बोलना है। उत्थे कह लगा मैं इस करके नोबल प्राइज मिलिया अज मिल रहा है कि मैं एक दिन ये चीज़ जिस करके मैं अज इनाम मिल रहा है ईजाद पिया करा मैं रस्ता ना मिले, मैं सौ गया। जिसले मैं सौ गया मैनू सुपने अंदर ये सुपना आया कि एक मारू थल दे अंदर मैं जा रहा हाँ, मेरे नाल एक बंदे दा होर साया है, एक बंदा मेरे नाल होर चल रहा है। मैं देख रहा हाँ असी दोनों पे टुरदे हाँ ते दोनों दे पैरां दे निशान लग रहे हैं रेत अंदर। मैं पिछे भी मुड़ के देख रहा 4 पैर पे टुरदे ने, मैं बड़ा खुश होया कि 4 पैर टुरदे पे हैं, कोई मेरे नाल है इस मारू थल अंदर। थोड़ी जी देर तो बाद 2 निशान मिट गए ते कहिंदा सुपने विच मैं कहा ओ वाहेगुरु तुम्ही साथ छड़ गए इस रेगिस्तान की धुप अंदर, तेरे भी पैर सड़न लग पे, तेरे भी पैर सड़न लग पे। ते कहिंदा उस वेले मैनू आवाज आई ओ मूर्खा ओ जेड़े पैर तेनू दिखाई दे रहे हैं ओ मेरे हैं, जिसले तेरे पैर बहुते सड़न लगे मैं तेनू अपनी गोद विच ले लिया ताकि तेरे पैर ना सड़न। बस भाई जिस वेले उहदा साया नाल रखांगे किसी दे पैर नहीं सड़न लगे। जे किसी व्यक्ति का सहारा ले लवोगे पैर की शरीर जल जाएगा, आत्मा जल जाएगी, कभी उसनू कोई रस्ता भी नहीं दिखाई देन लगा। जेड़ा इंसाना ने उचाइया पाइया ने उन्होंने पता है कि गोद उठा के किमें लै जाता है, साड़ा इतिहास से भरे है कि किमें गोद उठा के सबनू। भाई दयाला ने की सी अरदास सूरज प्रकाश जी लिखी हुई है, भाई दयाला जी ने यो ही भाई दयाला भाई मनी सिंह जी सके भरा सन एक बंद बंद कटा गया। यह भी इतिहास का बड़ा एक सवाल है कि 37 भाई मनी सिंह जी दे रिश्तेदार शहीदियां प्राप्त कर गए पर कोई डोलिया नहीं है। भाई दयाला जी सके प्रहासन जलाद ने कहा जो करना ही कर लै तेनू उबालन लगे हैं देर अंदर, कहिंदा एक इजाजत दियो मैं अरदास कर लवां मूँह मेरा गुरु तेग बहादुर वल कर दियो। उन्होंने देग दा मूँह चुल्हे दा मूँह उस पास कर दिता। हुण भाई दयाला जी की अरदास पढ़ो जो लिखी हुई है, भाई दयाला जी अरदास मूँह गुरु तेग बहादुर वल अरदास गुरु अर्जन नू कहंदे ने हे गुरु अर्जन एक वारी चंदू दी देग च उबलिया सैं, हुण तू आके इस औरंगजेब दी देग च उबल जा। ते कहंदे ने सूरज प्रकाश वाले तुसी कहंदे हो भाई दयाला उबलिया पर सच्ची मुची फिर गुरु अर्जन उबल गया है। बस ये जिस वेले सानू ख्याल रहेगा कदी किसे नू चोट नहीं आएगी। ये तीसरा प्रसाद मिलता है तव प्रसाद, चौथा प्रसाद है इतना कुछ पा के किसी वेले हंकार दा दा ना आ जाए। इस करके आख्या है चौथा प्रसाद मिलेगा इन्हीं के प्रसाद। क्या गुरु गोबिंद सिंह महाराज देखे तो कोई वड्डा है, आपने आख्या ये प्रसाद है असल जो मेरे को शक्ति है इन्हीं के प्रसाद सो विद्या रही, इन्हीं के प्रसाद पुण्यधाम भरे, इन्हीं के प्रसाद सब शत्रु मरे, इन्हीं के प्रसाद कि मैं बनया हाँ, मेरी जितनी भी शक्ति है इन्हीं के प्रसाद है, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ परे हैं। जिस वेले इन्हीं के प्रसाद निकलेगा
फिर संगत नूं कोई निंदेगा नहीं, क्योंकि यकीन लवेगा सारी शक्ति इस कोलों लई है। ये प्रसाद सानू इत्थों मिलदा है, अते यही प्रसाद साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फिर जोर देंदे सन कि इस प्रसाद नूं वी लै के जाना, कदी होमे दे दाज च ना पैना कि देखो मैं ये कर रहा है, देखो मैं बना लिया है, देखो मेरे कोल हो रहा है। अजे ते वो न्यूटन वाली गल बड़ी सोहनी है, किसे कहा तू तकरीबन 700 ईजादा कर लिया, या एडिसन नूं कहा किसे ने तू ते 800 ईजादा कर लिया ने, ते न्यूटन ने कहा सी मैं ते अजे समुंदर दे किनारे खड़ा होया होया सिर्फ जो छल समुंदर चों निकलती है बाहर सुट जाती है कोगने, कोई चुक चुक के मैं देखना पाया समुंदर दा अजे ते मैं हाथ लै ही नहीं सकिया। असी भी ऐसे ही हाँ, अजे गुरु ग्रंथ साहिब दा सिर्फ नज़ारा कर रहे हाँ, अजे असी हाथ लै ही नहीं सके। अते जेड़ा भी इंसान ये आखन लगे ना कि गुरु ग्रंथ साहिब इच मैं पढ़ लिया है, देख लिया है, किथे लिखिया है, समझ लो उस अनजान नूं पता नहीं है, क्योंकि आप गुरु जानदा है कि किसे वेले भी होंदा दा सिख नूं ना पवे, जे चार प्रसाद लैंदा रहेगा फिर इसनों हों दा दा नहीं पैन लगा, क्योंकि सब तो खतरनाक दा कोई हों मार दी है, लगी रहती है, तकदी रहती है कि मेरा केड़े हुण बस विच आवे। ये बड़ी ऐसी है भी ऐसी, कोई ना कोई ढंग ढूंढ लैंदी है, कोई ना कोई रस्ता लभ लैंदी है। असां ते इक मुहावरा कढ़िया बड़ा मार के कढ़ने आ होमे नूं दरवाजे तों, ये रोशनदान आ जाती है, रोशनदान बंद करने आ छत फाड़ के आ जाती है। इसलिए होमे नूं मारन दा रस्ता होर कोई नहीं है सवाए शब्द तों, शब्द दी शक्ति नाले ख्याल रवे कि मेरा गुरु कितना वड्डा है, असी उहनां दी खाक भी नहीं आ। आप नूं पता है ना भाई मती दास जी नूं जरा कु ख्याल आ गया कि मैं लाहौर ते दिल्ली दी इट नाल इट वजा दियां, ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह कहन लगे मती दास ये शक्ति पाई कित्थों आ, सिखी सी? कहन लगा आप दे चरणां चों। तां कहन लगे ये तू की शुरू कर दिता, कदी वाहिगुरु नाल शरीका नहीं करना, सिर्फ उस दे पाणे नूं देखी जा, फिर देखी ये कौम दी उसारी किस तरह हुंदी है। ये सानू जाच सिखांदे रह गए हन, यही मैं समझना प्रसाद सी सब तो वड्डा आखरी, जो हर सिख, जो शहीद है, जो विद्वान है, जो प्रचारक है, जो ग्रंथी है, इस नूं पा के टुरदा हुंदा सी। मैं एक गल तां सुनाण लगा, एक दिन भाई मरदाने नूं वी ख्याल आ गया, शुरू शुरू वी मरदाना जिसले आम तौर पर आ जाता है ख्याल, दिल भी बड़ा खुश होंदा है कि चार बंदे बड़े ध्यान नाल सुनते पे हैं। भाई मरदाना जी नूं जिसले रबाब लैके आया ना फरिंदे कोलों, तो गुरु नानक साहब कोल आ के रबाब वजाई सू वेंज दे किनारे, जिसले रबाब वजाई सू उसने देखिया पानी शांत हो जा रहा है। गुरु नानक साहब नाल बोल रहे सन, बाणी का पाठ हो रहा सी, कीर्तन हो रहा सी, बाणी गाई जा रही सी, वो देखता जरा वेंज का पानी इतने टिकया, वेंज बड़ी खतरनाक नदी सी, इतने बाणी इस तरह लगता जिवें पानी शांत हो गया है। फिर देखता है पंछी जड़े ने टिक गए ने, फिर देखता है जे पशु ने आन जाण वाले भी टिक गए ने, अते यकदम उन्हें ख्याल आया वाह भाई वाह, मेरी उम्र रबाब वजन नाल देख के कुछ हो गया। अते धन गुरु नानक पातशाह किसी नूं होमे दा बहुता दा लगन भी नहीं सन देंदे, नाले साथी बनाना सी, आपने शब्द गाना बंद कर दिया, पानी भी चल पिया, पंछी भी चहलान लग पे, पशु भी दौड़ते, ते उस वेले समझ आ गई मेरी रबाब दी शक्ति नहीं है, ये शब्द दी शक्ति है। अते उस वेले मरदाने ने चरण पकड़ ले, पातशाह धा खान लगा सा होमे दा, तुसा मैनूं बचा लिया, किसी राग दी शक्ति नहीं है, किसी रसना दी शक्ति नहीं है, किसी अलाप दी शक्ति नहीं है, किसी जोड़ी दी शक्ति नहीं है, ये सारी शक्ति शब्द दी है। अते जिस वेले शब्द ते राग गाए जाएंगे उस वेले वातावरण भी शांत होएगा, हर चीज़ अपने आप मिलती रहेगी। इसलिए मैं अज बधाई भी देनी है भाई अमरीक सिंह जी नूं, नाल बेनती भी करनी है, साढ़े घर के अंदर बहुत कुछ पिया होया है, अते ए तुक ते उंझ लिख के जेब विच रख लैनी चाहीदी है कि इस घर में है सो ढूंढ खाए, अवरी के मत तुम जाए, दूजे को घर विच ही है ढूंढ के देख। अते मैं कल आख रहा सा इत्थे एक रवाज है बाहरले मुल्कां अंदर सेल लगती है, आम हर जगह सेल लगती है, असी भी कदी गुरुद्वारे अंदर नाम दी सेल लाइए,
कबीर जी ने लाई सी एक बारी, कबीर जी नूं जिले नाम मिल गया ना ते पहला ए क्या ने कि राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पट्टन नहीं पारखू नहीं गाक नहीं मोल। ते घरवाली सियाणी सी साड़ी, उन घरवाली ढिली होई है, घरवाली बड़ी सियाणी सी, आखन लगी जे कुछ मिलिया जे तो वंडो भी। उन्हें आख्या अच्छा फिर सेल ला देना, लुटा देना सब कुछ। ता लिखिया है ना कि लूटना है तो लूट लै, राम नाम है लूट, कदी ना कदी गुरुद्वारे अंदर नाम दी सेल भी लाओ ताकि सारे इस जगत नूं पता लग जाए कि गुरुद्वारे अंदर नाम लुटाया जांदा है, नाम दी बख्शिश हुंदी है, नाम अपने आप हिरदियां विच प्रगट हुंदा है। अते धन गुरु रामदास पिता तुसी इक वार लिख गए जिसका नाम है नाम की वार, सारिंग दी वार नाम दी वार है। जे याद ही तो कर्मा वाला है, जे नहीं याद तो बेशक गुटका रख लें या ग्रंथी रख लें। कदी ना कदी जान तो पहला आसा दी वार तो बाद नाम दी वार भी गाई जाए, फिर देखना हर हिरदे अंदर किवें नाम प्रगट हुंदा। अर्थ करन वास्ते साढ़े कोल जिहड़े अत विद्वान सुलझे हुए बैठे हुए ने, हुण ज्ञानी अर्जन सिंह जी बेनती करांगा, देखो नाम दी वार ही लिख दित्ती। महाराज ने जिन्हियां वारां लिखियां ने ना इहदा मंतव हुंदा सी, तरन तारन अंदर आप नूं पता है रोज रात नूं कानड़े की वार गाई जांदी। ते जिसले तरन तारन गया मैं कहा तुसीं एक ही शाम नूं कानड़े की वार कहिंदे गांदे हो, कहिंदे ने कानड़े की वार गांदियां शरीर का रोग नहीं आउंदा। फिर समझ आ गई ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਹੜੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਹੜ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲਾਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। सदा सहाय मनमोहन मेरो जी को प्यारो कौन कहां गुन गाए। पहला सब सी जानदे हां कड़ा परेशान